बिहार में आशा उषा कर्मचारी और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के बाद रसोइयों ने 12 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन उग्र कर दिया है। नवादा जिले में रसोइयों के द्वारा 12 सूत्री मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया गया और ये प्रोटेस्ट बड़े स्तर पर किया गया। दरअसल जिले में 14 प्रखंड 182 गाँव के रसोइयों ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ वेतन बढ़ाने को लेकर समाहर नाले के पास पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। 12 सूत्री मांग को लेकर राज्य में रसोइयों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा और स्कूल की रसोइयों का कहना है कि हम लोगों को अपनी हक की मांग के लिए ये आंदोलन कर रहे और इसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हम लोगों को हक नहीं दिया जाए। मात्र 1650 रुपए में रसोइया काम करती है और 1650 रुपए में आज के इस महंगाई के दौर में कुछ नहीं होता। इसी को लेकर 12 सूत्री मांग को लेकर राज्य की रसोइया नवादा जिले के समाहरणालय का घेराव किया और रसोइयों का कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की तो हम लोग सड़कों पर निकलकर पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। एक तरफ सरकार महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है तो दूसरी तरफ सरकार महिलाओं की सम्मान ही नहीं कर पाती है। संघ के साथ साथ चल रहे सुधीर राजवंशी ने कहा कि हम लोगों ने यह मांग जोर शोर से उठाए हैं और जब तक हम लोगों की 12 सूत्री मांग पूरा नहीं किया जाएगा तब तक इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो हम लोगों की आंदोलन जिला मुख्यालय पर हो रही है, अब इससे भी बड़ा आंदोलन पटना की सड़कों पर रसोइया दीदी करेगी। रसोइयों ने राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानी तो 31 अक्टूबर को पटना की सड़कों पर हम लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। समाहरणालय स्थित महिलाओं के द्वारा घेराव करने के बाद पूरे नवादा शहर में जाम की स्थिति देखी गई और आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑफिस में प्रवेश करने वाले सभी गेट को आंदोलनकारियों को देखकर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा बंद कर दिया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको बिहार रसोइया से संबंधित और भी छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे।